ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो भक्तों से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। क्योंकि संन्यास लेने के बाद वो अपनी माता को आके मिलते हैं और माता से कहते हैं कि आप जहाँ कहोगी वहां मैं रहूंगा। और सच्ची माता कहती है कि आपको घर पे तो रहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास जगन्नाथपुरी में आप रहोगे तो आपकी खबर मुझे सदैव मिलती रहेगी और दिल में भी शांति रहेगी। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने का संकल्प करते हैं और भक्तों से निवेदन करते हैं कि मैं जाना चाहूंगा। तो सब भक्त मिलकर कहते हैं कि इस समय मायापुर से जगन्नाथपुरी के रास्ते पर अनेक देशों में, अनेक राज्यों में युद्ध चल रहा है। बहुत ज्यादा संख्या में डकैत वहां पर है, स्थिति बहुत गंभीर है, विकट है, और इस समय वहां पर जाना यानी जिंदगी पर अपना खेल खेल सकते हैं, जिंदगी को खतरा हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे भक्त विविध प्रकार से मार्ग में जो जो संकट है उसका वर्णन करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा समय है जिसमें भौतिक विश्व में संकट नहीं है, ऐसा कौन सा समय है जिसमें भौतिक विश्व में संकट नहीं है, अशांति है या कुछ कठिनाइयां नहीं है, कुछ चिंता नहीं है, शांति ही शांति है, ऐसा कोई समय है? भौतिक विश्व में हर समय संकट, कठिनाई, चुनौतियां चलती रहती है, और जो भक्त भगवान का नाम लेते हैं उन्हें कभी भी संकटों से डरना नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करता है उसके साथ सुदर्शन चक्र सुरक्षा के लिए सदैव चलता है। भगवान का नाम का जप और भगवान के नाम का कीर्तन ये भक्तों के लिए सर्वतोपरि संरक्षण है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन फॉर द डिवोटीज इज चैंटिंग हरे कृष्णा। इसलिए मैं युद्ध की शांति के लिए, युद्ध विराम के लिए, डकैतों के चले जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मैं इसी समय निकलना चाहता हूँ और भगवान नाम के जप के भरोसे मेरा मार्गक्रमण करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु के इस संवाद से हम समझ सकते हैं आप भी बहुत सारे साल जीवन को काट चुके हो, कुछ लोग 20-25 साल के हैं, कुछ लोग 40-50 साल के हैं, कुछ लोग 50-60 साल के हैं। झांक कर देखने देखिए अपने जिंदगी में कि ऐसा कोई समय था जब कोई संकट नहीं था, जब कोई चिंता नहीं थी, जब पूर्ण आरोग्य था, कोई मन मुटाव नहीं था, कोई मतभेद नहीं था, कोई परिवार में कोई मतभेद नहीं था। ऐसा समय भौतिक विश्व में, भौतिक जीवन में अपेक्षित ही नहीं है। जैसे जेल में दुखी होता है, जेल में सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वहां पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, उसी प्रकार से भौतिक विश्व में इस मर्त्य शरीर में जन्म लेने के पश्चात कष्ट के अलावा और कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय दुःखालयम् अशाश्वतम्। इसलिए भगवान नाम का जप करने के लिए किसी भी मोहरत की आवश्यकता नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए किसी भी मोहरत की आवश्यकता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे
जगन्नाथपुरी जाना है जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए, किसी प्रकार के शांति या मुहूर्त की मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसा दिव्य संदेश चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। आइए हम सब मिलकर इस भगवान नाम के दिव्य जप करने की प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास रखें और अपने जीवन को चलाएं। जब सवेरे उठकर कोई नक्षत्र अच्छा हो, कोई तिथि अच्छी हो, कोई चंद्र ग्रहण हो, कोई सूर्य ग्रहण हो, कोई युद्ध चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब कुछ ना देखते हुए जब हम प्रातः काल में उठकर भगवान नाम को पुकारते हैं, सब कुछ शुभ हो जाता है। सबसे अपवित्र, सबसे अशुभ जो घटना है या चीज है, वो भगवान नाम का जप करने से शुभ और पवित्र हो जाती है। इसलिए आइए, पूरी श्रद्धा के साथ हमें ये सर्वोच्च भेंट प्राप्त हो गई है, दिव्य भेंट, उसको अपनाएं और शांति से अपना जीवन जिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बड़ी श्रद्धा से और बड़े विश्वास के साथ किसी भी स्थिति में रोज नित्य नियम से भगवान नाम के जप की प्रक्रिया को अपने आप को समर्पित करो। हरी बोल राधे श्याम।